आदेश आदेश, जय माँ काली, जुड़ जाएं सभी साधक। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे दिवालन साधना के ऊपर। देखो, ऐसा है कि कुछ लोग जो नए लोग होते हैं, जो कर्जाई हो जाते हैं, कर्जे के नीचे आ जाते हैं, वह क्या करते हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो है कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जिससे कि उनका कर्ज़ा जो है तुरंत के तुरंत जो है चुपता हो जाए। तो उसमें बाद में जो है किसी तांत्रिक के सहारे वो कर्जे को उतारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो उतार भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलत मलत साधनाएं वो देख लेते हैं और जो कि उनके मन के अंदर घर कर जाती हैं और उसको उस साधना को करने के लिए चल पड़ते हैं। ऐसे ही एक दिवालन साधना करके जो है हमको काफ़ी जो नए लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमें दिवालन साधना करनी है। देखो, तंत्र के अंदर कर्जा उतरता है और जो आप कहते हो दिवालन, देखो बहुत सारी शक्तियां हैं जिनको सिद्ध करने के बाद वो कर्जा उतारने में साधक की सहायता करती हैं, लेकिन दिवालन का जो आप बोलते हो कि वो पैसा ला करके देती है, बहुत सारा धन जो है रातों रात पैसे इकट्ठे करके कमरे में छोड़ जाएगी, करोड़ों का धन ला कर दे देगी, तो ये बात जो है सच नहीं है। नए साधक इस तरीके की कोई सिद्धि नहीं कर सकते हैं। ये पैसे मंगवाना कमरे के अंदर ये बड़े तांत्रिकों का काम है और ये दिवालन साधना जो आप बोलते हो ये आम व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता है। जो जो उच्च कोटि का साधक होता है वह दिवालन को सिद्ध करता है, लेकिन दिवालन पैसे ला करके नहीं देती है। दिवालन के साथ वो एक क्रिया करता है, कुछ दो चार शक्तियाँ और जोड़ता है, फिर जा कर के जो है पैसे मंगवाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन भोले वाले जो लोग हैं उन्होंने यही समझ लिया कि अगर हम दिवालन को सिद्ध कर लेंगे तो दिवालन हमें जो है पैसा ला करके सीधा ही दे देगी। देखो, डायरेक्ट वो पैसा ला करके नहीं देगी। आप जब तक जो है बड़े तांत्रिक, अच्छे तांत्रिक नहीं बन जाते, आपके पास कोई और शक्ति नहीं आ जाती, तब तक आप दिवालन के सहारे पैसा नहीं मंगा सकते हो। और पहली बात है कि दिवालन की विधि जो है वो तो बहुत ही कम लोगों के पास है, फिर पता नहीं हर एक के पास वो दिवालन की सिद्धि जो है ढूंढते हैं कि हर कोई तांत्रिक के पास जाते हैं जो भी उन्हें मिलता है। देखो, हर एक चीज़ जो है हर एक तांत्रिक के पास नहीं होती है, तो जो दिवालन है वो बहुत ही कम तांत्रिकों के पास पाई जाती है। उसके कुछ और कारण भी हैं सिद्ध करने के, लेकिन जो भेड़ चाल जो चल पड़ती है, जो भेड़ चाल जो आ जाती है लोगों में, वो फिर चलती चली जाती है। बस दिवालन पैसा लाकर देती है, ये कान में पड़ता है और सीधा जाता है उनके मन में। मन में फिर ख्याल आता है कि क्यों ना दिवालन सिद्ध कर ली जाए और करोड़ों रुपए मंगवा लिया जाए। देखो, जब कोई दिवालन सिद्ध कर लेगा तो प्रयास भी करेगा पैसा मंगवाने के, तो ऐसे नहीं आएगा। उसमें जो है जैसे हमने बताया है वो प्रक्रिया होती है, उस दौरान आता है। और जो अकेला दिवालन के साथ नहीं है, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिनके साथ और तीन चार शक्तियां लगा करके एक क्रिया की जाती है तो पैसा आता है। लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग जीते हैं, जो भी सुन लेते हैं आजकल इधर उधर से उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। हमने तो बहुत सारी चीज़ों का जो है खंडन किया है, बहुत सारी गलत धारणाओं का तंत्र में जो चल रही थी उनका खंडन किया है, फिर भी जो है लोग समझते नहीं हैं। और जब तक समझोगे नहीं सच बात को, तो तब तक कैसे जो है तंत्र के अंदर आगे बढ़ पाओगे। तो जो भी दिवालन साधना ढूंढ रहा है इंटरनेट पे, वो इस बात को हमारी सुन ले ध्यान से। और सच जो है होता है वो कड़वा होता है, झूठ जो होता है ना बहुत मीठा होता है। तो आप जो है इस कड़वी सच्चाई को पहले जाने कि तंत्र है क्या, कुछ आपके जो है भ्रम दूर होंगे। बाकी हमने समय समय अनुसार जो है अपने चैनल के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ों का खंडन किया है। तो आप जो है दिवालन साधना न करके कोई और साधना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने दिवालन ही सिद्ध करनी है। दिवालन जो है बहुत खतरनाक और बहुत ही उल्टी विधि से सिद्ध की जाने वाली शक्ति है। हम अच्छे से जानते हैं कि दिवालन कैसे सिद्ध की जाती है, तो वो सारी चीज़ें जो है लोग पहले इकट्ठा करते हैं, जब मिलती हैं तब उसकी सिद्धि जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आपको कोई भी ऐसी चीज़ इकट्ठी नहीं करनी है जो आसानी से नहीं मिलती है।
जो इसमें की जाती हैं चीज़ें इकट्ठी, आपको जो है कोई भी साधना कर लेनी है जो हम बताएंगे, वह कर करके आप अपने कर्जे को उतार सकते हो, अपने कारोबार में उस शक्ति को उतार सकते हो। वह कारोबार में बिल्कुल आपकी सहायता करेगी और आपका जो कारोबार है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इतना अच्छा कोई नहीं समझाता है, जो हमने बात समझाई है वो हम आशा करेंगे कि आपके समझ आई होगी और भेंट चाल में ना जाएं, यही हम आप सभी को बोलेंगे। बाकी मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माँ काली।